हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप तुम सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन वन क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ। सी हियर द क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इक्वेशन इज बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के ऊपर हमें कमेंट करना है। और इन्फॉर्मेशन एक और क्या गिवन है कि ए बी और जो सी है दे बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या करें, सबसे पहले रूट्स के ऊपर कमेंट करना है, इसका मतलब क्या है हम डी चेक कर लेते हैं। डी क्या है बेसिकली, तो हमने पढ़ा है कि अगर डी हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर जीरो होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और डी नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो बेसिकली हमें इसका डी निकालना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डी। तो देखो डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी। ए हियर इज एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स स्क्वायर शायद मैंने मिस कर दिया, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। This is b plus c into x square. Let me correct this. b plus c into x square. Okay, हाँ आप करेक्ट है। तो देखो तो माइनस फोर इंटू बी प्लस सी इंटू ए, दिस इज माई डिस्क्रिमिनेंट। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ये तो इसका स्क्वायर हो गया, और फिर इधर से आया माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए सी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये प्लस टू ए बी है, ये माइनस फोर ए बी है, तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, टू ए बी माइनस फोर ए बी क्या हो जाएगा मेरा माइनस टू ए बी, तो इसको रब करके मैं इधर माइनस लगा देता हूं। ठीक है ना, अच्छा इधर माइनस फोर ए सी है, इधर प्लस टू ए सी है, तो अगेन मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और इधर माइनस लगा देता हूं, तो ये हो गया मेरा डी। अब देखो लकीली क्या हो गया, अब हमारा जो d है ना दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका देखो, देखते हैं हम, मैंने बोला a माइनस बी माइनस सी, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखो चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस टू ए सी और इधर से आ जाएगा टू बी सी, तो टू बी सी। तो अब मेरा d कितना आ गया, d इज अ स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी, तो ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। Square of any quantity मतलब क्या हो गया, non-negative ना, so it is always greater than equals to zero, but information अब मैं ये वाली use करूँगा question में, क्या है कि b plus c जो है वो a के बराबर नहीं है। अगर b plus c a के बराबर नहीं है तो हमारा ये जो quantity है वो zero भी नहीं हो सकती, hence this is always greater than zero, तो equal भी नहीं आएगा। समझ में है, इक्वल कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है, ये व्हेन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बट उसने दे रखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस सी, तो हमारा डी कितना आया, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई होप समझ में आया होगा। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। तो हमारे ऑप्शंस है, रूट्स विल बी रैशनल एंड डिफरेंट, या रैशनल एंड डिफरेंट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है दैट इज सीएल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी रियल एंड डिफरेंट देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगेन वी हैव टू कमेंट ऑन रूट्स। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्या दे रखा है, इसके रियल और डिफरेंट, इसके रियल प्लस डिफरेंट, तो मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, देन द रूट्स ऑफ, अब मुझे जिस इक्वेशन के बारे में रूट्स के कमेंट करना है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अंडर रूट ए बी इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स के बारे में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो हम इसको कमेंट करते हैं। तो देखो अब देखना, इसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं आएगा बिकॉज डिफरेंट बोला है, तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका डी कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर ए सी, तो फोर बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है,
इधर से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिली। अब देखते हैं हम इसका यूज कैसे करेंगे। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में कमेंट करना है, सो आई विल फाइंड इट्स का डी। तो देखो इसका डी कितना हो जाएगा, देखो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी 16 बी, इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 ए बी माइनस 4 ए सी, तो 4 आएगा इधर से हमें आ गया। अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, 4 ए बी आएगा इधर, ठीक है ना, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी, तो 1 माइनस 4 ए बी आएगा। अब देखो अब मैंने लिखा इसको 4 कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 4 ए बी माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 4 ए बी, इसको इसलिए ऐसा लिखा बिकॉज आई हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। अब देखो 1 माइनस 4 ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो ये जो मेरा 1 माइनस 4 ए बी है दिस इज पॉजिटिव, 4 एक पॉजिटिव नंबर है ही, आगे एक नेगेटिव लिखा है, तो ओवरऑल क्या हो गया मेरा ये नेगेटिव हो गया, तो डी नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके तुम लोग सॉल्यूशन कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, और जिसका सही है वो जरूरत नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि सारे क्वेश्चंस तुम अपने क्लास नोट्स में कॉपी करो, ठीक है ना, आफ्टर द आफ्टर मतलब लेक्चर तुम कॉपी कर लेना पहले। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसने देखा एक इंफॉर्मेशन, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन है ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट के ऊपर मुझे कमेंट करना है, ठीक है, तो चलो कमेंट करते हैं। तो इसका रूट के ऊपर कमेंट करना, अगेन आई विल सी द डी, तो पहले डी निकाल लेता, तो डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो देखो इधर क्या आएगा ए प्लस बी माइनस टू सी इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, ए इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक देख लो एक बार, दिस इज माई डी, करेक्ट है। चलो अब मैंने क्या किया, पहले 4 कॉमन ले लिया, तो आई विल टेक 4 कॉमन, तो देखो इधर क्या बनेगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब मैं वाला फॉर्मूला यूज करूंगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस ब्रैकेट प्लस दिस ब्रैकेट, तो ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस ए माइनस बी, एक तो ये हुआ इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी माइनस ए प्लस बी। समझ में आया क्या किया मैंने, सिंपली एक आइडेंटिटी यूज की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब हम देखते हैं जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखो ये एक तो बी से माइनस बी कैंसिल, तो ये हो गया 4 टाइम्स। अब देखना 2a माइनस 2c लिखा है तो ट्वाइस ऑफ a माइनस c, ठीक है। अच्छा अब इधर और देख लेते हैं, ये a से माइनस a कैंसिल, इधर 2b माइनस 2c आएगा तो ट्वाइस ऑफ b माइनस c, ठीक है, दिस इज माय d। अब हम क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन टू कमेंट अबाउट द साइन ऑफ दिस। तो देखो उसने दे रखा है कि जो c है वो a से बड़ा है, इसका मतलब a c से छोटा है, तो a अगर c से छोटा है तो ये क्वांटिटी कितनी हुई नेगेटिव, ठीक है, और b जो है वो c से बड़ा है, b इज ग्रेटर देन c, तो b माइनस c क्या होगा दिस इज पॉजिटिव, और बाकी तो कांस्टेंट लिखा है 2 2 4, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो d नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है हमारा रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर अपना 4th हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th है, वही उसी के ऊपर उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक लिख लेते पहले l माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स l प्लस m माइनस 2 टाइम्स l माइनस m इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स के ऊपर मुझे कमेंट करना है, ठीक है, तो करते हैं। तो देखो इसका जो d है वैसे ये उससे भी आसान है, प्रीवियस वालों से भी आसान है, कैसे आसान है देखना ध्यान से, ये एक ही स्टेप में आ जाएगा हमारा आंसर। b स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 25 l प्लस m का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4 ac करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस 4 टू 8 इंटू a इंटू c, तो l माइनस m इंटू l माइनस m क्या हो गया l माइनस m का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि ये भी एक किसी का स्क्वायर लिखा है l प्लस m का, सो दिस विल बी अ पॉजिटिव एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव, सो ओवरऑल d क्या है हमारा पॉजिटिव, इसका रूल्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये जीरो हो सकता है, ठीक है चलो ये जीरो मान भी लिया मैंने, अगर मान लो ये जीरो हो भी गया तो वैसे भी जीरो नहीं होगा। द रीजन इज अगर ये क्वाड्रेंटिक है तो एल शुड नॉट बी इक्वल टू एम, ठीक है तो ये भी जीरो नहीं होगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है। और अगर एल अगर माइनस एम के बराबर हो गया एक मिनट के लिए तो ये चीज जीरो हो जाएगी, बट ये तो पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या होगा हमारा डी विल बी पॉजिटिव, क्लियर है। तो हमारा रूट आंसर हो जाएगा रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेता हूं इसमें क्या है, रियल एंड इक्वल कॉम्प्लेक्स, रियल एंड अनइक्वल नन ऑफ दिस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है रियल एंड अनइक्वल। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये कंपैरेटिवली उससे आसान था प्रीवियस, तो क्योंकि उसमें तो हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ा था ना, इसमें हमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का एक हमने क्लास नोट्स में किया है और इसके ऊपर एक नोट भी लिखवाया है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो देखो अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है बोला है कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे, तो एक तरीका तो क्या है, तो इसको वो प्रॉपर फॉर्मूले से करूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें, हम अगर इफ यू ऐड द कोफिशिएंट्स, जस्ट एक बार ऐड करके देखो, ऐड करना मतलब क्या होता है, x की जगह 1 रखना, एक बार इधर x की जगह 1 रखो तो देखो क्या आएगा, पुट x इक्वल टू 1, इसको इक्विवेलेंट बोलना क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। और मैंने एक नोट लिखवाया था तुम लोगों को कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 होता है इसका मतलब क्या है, x is equal to 1 is the root। तो देखो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं, तो a plus b minus 2c, इधर से जाएगा minus 2a minus plus b plus c plus a minus 2b plus c, this is sum of coefficients। तो देखो a और a 2a minus 2a cancel हो गया, b plus b minus 2b cancel हो गया, c plus c 2c minus 2c cancel हो गया, इसका मतलब x is equal to 1 रखने पे ये चीज जीरो हो रही है, इसका मतलब एक रूट इसका 1 है। अब दूसरा रूट निकालने के लिए क्या करें, यू इधर यू कैन यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट से अदर रूट इज बीटा, तो मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1 इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, सी का काम कौन कर रहा है इधर, ये तो ए माइनस 2b प्लस सी अपॉन ए, ए हियर इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इधर हो जाएगा हमारा a प्लस b माइनस 2c, तो 1 इनटू बीटा मतलब बीटा ही हो गया, तो ये हमारा दूसरा रूट आ गया, ठीक है। सो वन एक रूट 1 हुआ एंड अदर रूट इज a माइनस 2b प्लस सी अपॉन a प्लस b माइनस 2c, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस देन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, इसका जो रूट्स है ये दे रखा है अल्फा बीटा, ठीक है, और एक और क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा, देन यू हैव टू फाइंड अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन पे आप करते हैं। तो देखो इसको मैंने ओपन किया तो क्या आया मेरा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस अल्फा गामा और प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। अच्छा फिर मैंने इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। अब देखो गामा प्लस डेल्टा मैं इधर से लिख सकता हूं सम ऑफ रूट, क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी बाय, तो इधर हो गया माइनस पी, तो मैंने इधर रख दिया, तो इधर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इधर से गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा आर, तो हो जाएगा गामा डेल्टा इज आर। अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा, क्योंकि मुझे जो आंसर दिया है आंसर देना है वो पी क्यू वगैरह के टर्म्स में देना है, पी क्यू आर वगैरह के टर्म्स में, आई डोंट वांट अल्फा इन दैट, ठीक है ना। तो इस चीज को मुझे रिमूव करना है अल्फा को। अब मैं इधर ध्यान से देखो, अल्फा अगर इसका रूट है तो इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इधर से मेरी क्या आई अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू क्यू आई, वो मैं इधर उठा के रख देता हूं इसकी जगह, दिस इज क्यू, तो क्यू प्लस आर दिस इज द आंसर, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स जो है वो दे रखे अल्फा एंड बीटा, और मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से बताया था इसको। कैसे करते हैं हम, क्या लिखते हैं हम, वाई इज इक्वल टू, चलो मैंने मान लिया ये लेट से ये गामा है, ठीक है, तो मैं क्या लिखते हैं, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थ्री, तो इधर से अल्फा क्या आएगा, गामा माइनस थ्री, फिर हम इसमें रख देंगे क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो क्या बनेगा हमारा, गामा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स गामा माइनस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा लिखा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, गामा को एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा दिया है और मैं बोल रहा हूं ऐसा ट्रू है, तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इसका रूट गामा होगा, सिमिलरली यू विल से इसका रूट डेल्टा होगा, डेल्टा इज लेट से ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बट इसमें क्या है, बहुत से बच्चों ने गलती क्या की होगी, अगर की होगी तो देखो, बहुत से बच्चों ने ये ऑप्शन जैसे बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन टिक कर दिया होगा इसको देख के, बट यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑल्सो ना, हो सकता है और भी ऑप्शन मैच कर रहे हो, बिकॉज थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस इलेवन एक्स, और नाइन और नौ और सिक्स पंद्रह, पंद्रह पंद्रह तीस, तो प्लस तीस इक्वल टू जीरो। सो यू विल सी कि ए ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो आंसर होगा हमारा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्लियर, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, ये लाके ये लेने के बाद ऑप्शन शायद बहुत से बच्चों ने लगता है बी करा होगा, ठीक है, बट करेक्ट आंसर इज ए एंड बी बोथ, इसलिए द ऑप्शन करेक्ट इज सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हालांकि इजी क्वेश्चन है बट ऑप्शन ऐसे दिए कि हो सकता गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर एट। हाँ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स, ये एट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसके रूट है अल्फा बीटा, और हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस सेवन एंड बीटा स्क्वायर माइनस थ्री बीटा प्लस सेवन। ठीक है, तो देखते हैं, देखो अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो इधर से अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फाइव। सिमिलरली व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट बीटा हियर, व्हाट यू विल गेट, बीटा स्क्वायर माइनस थ्री बीटा इक्वल टू माइनस फाइव। अब इधर उठा के रख देते इसकी जगह और इसकी जगह, तो ये क्या है मेरा माइनस फाइव, तो सेवन माइनस फाइव मतलब टू, और ये भी आ जाएगा सेवन माइनस फाइव टू, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी जिसके रूट्स टू एंड टू है, तो इट इज नथिंग बट एक्स माइनस टू का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, टू एंड टू, यही होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो हमें क्यूबिक दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एट इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ओके, देन द रूट्स इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो अगेन क्या माना, गामा इसको मैंने मान लिया, लेट से अल्फा बीटा गामा, डेल्टा मान लिया डेल्टा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आएगा, रूट डेल्टा, अब अल्फा इसका रूट है तो इसमें रख दिया, तो जाएगा रूट डेल्टा की पावर थ्री, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर थ्री बाय टू प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे आएगा डेल्टा की पावर थ्री बाय टू इज इक्वल टू माइनस एट। अब दोनों साइड स्क्वायर किया, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट आई एम डूइंग, क्यूबिक स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग, तो डेल्टा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस एट इंटू माइनस एट, दैट विल बी 64। अब मैंने बोला ये फाइनली किस में रिड्यूस हो गया, डेल्टा क्यू माइनस 64 इक्वल्स टू जीरो, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा किसका रूट है, एक्स क्यू माइनस 64 इक्वल टू जीरो का, इसका रूट डेल्टा है, और डी तो निकालना था डेल्टा मतलब अल्फा स्क्वायर, तो सिमिलरली यूल से इसका रूट हमारा एक तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एक बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और एक गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया ये। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, इसको रब कर देता हूं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से।
इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, और इक्वेशन दे रखी है देखो x cube प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इक्वल्स टू जीरो आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो. क्या देखा है दोबारा देखो, और मुझे निकालना फाइनली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू. अब देखो उसने क्या बोला है, जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है ना उसके रूट्स आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो अगर मान लो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा और गामा है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन. क्या बोला मैंने देखो कि अगर इसने बोला इस ऊपर वाले क्यूबिक के रूट्स जो है वो एक ज्यादा है इससे, तो अगर इसका अल्फा है तो इसका अल्फा प्लस वन, इसका बीटा है तो इसका बीटा प्लस वन, इसका गामा है तो इसका गामा प्लस वन. अब हम क्या करेंगे देखो, अब देयर आर टू अप्रोचेस. एक तो हम वो थियरी ऑफ इक्वेशन से लिख सकते हैं सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम टू एट ए टाइम थ्री एट ए टाइम, या फिर एक और ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से. कैसे है देखो क्या किया मैंने इसकी मदद एक काम करते हैं चलो ठीक है इससे हेल्प कर लेते हैं. मैंने बोला कि एक क्यूबिक है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है. अब हम ऐसा क्यूबिक निकाल लेते हैं, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट क्यूबिक. मैंने बोला फाइंड अ क्यूबिक व्हिच रूट्स आर अल्फा प्लस वन बीटा प्लस गामा प्लस वन. मैंने बोला ये दिया है, अब तुम्हें एक क्यूबिक निकालना है जिसके रूट अल्फा प्लस वन गामा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन. तो क्या करेंगे हम, इसको मान लिया लेट से कोई तो वेरिएबल बीटा गामा डेल्टा मान लिया ठीक है. तो देखो इधर से क्या आएगा, अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू डेल्टा, तो मेरा अल्फा कितना आ गया डेल्टा माइनस वन. अब अल्फा इसका रूट है इसमें रख दिया तो क्या आ जाएगा डेल्टा माइनस वन का होल क्यूब माइनस ए इंटू अल्फा दैट इज डेल्टा माइनस वन प्लस बी इंटू डेल्टा ए एक्स स्क्वायर होगा. ये लेट मी चेक इट आउट, ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए कायदे से, एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है, जैसा भी होगा वैसे करेंगे. ए एक्स स्क्वायर है ठीक है, माइनस ए एक्स स्क्वायर है सो इट इज माइनस ए एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स डेल्टा माइनस वन माइनस सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है. मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक ऐसी क्यूबिक निकाल रहा हूं जिसके रूट अल्फा बीटा अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन है, और एक बार आ जाएगी उसको इससे कंपेयर कर लूंगा क्योंकि इसने ऑलरेडी ये दे रखा है इसके रूट है अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन. तो देखो इधर से मेरा आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ठीक है माइनस ए टाइम्स डेल्टा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू डेल्टा प्लस बी डेल्टा माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो. देखो एक बार कुछ कैलकुलेशन तो नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी डेल्टा इंटू वन ठीक है इंटू डेल्टा माइनस वन माइनस ए टाइम्स डेल्टा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू डेल्टा प्लस बी डेल्टा माइनस बी प्लस माइनस सी इक्वल्स टू जीरो करेक्ट है. चलो उसको और ओपन कर लिया तो देखो डेल्टा क्यूब माइनस वन माइनस थ्री डेल्टा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस थ्री डेल्टा माइनस ए डेल्टा स्क्वायर माइनस ए प्लस टू ए डेल्टा. देखो कैलकुलेशन ध्यान से रखना है, प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा हमारा ठीक है ना. थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ प्लस माइनस का इधर उधर तो आंसर पूरा मेहनत बर्बाद चली जाएगी. तो माइनस ए डेल्टा स्क्वायर माइनस ए प्लस टू ए डेल्टा करेक्ट है यहां तक प्लस बी डेल्टा माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है. चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को देखना. इसको अब डेल्टा क्यूब माइनस थ्री डेल्टा स्क्वायर और इसको क्लब किया तो क्या जाएगा माइनस डेल्टा स्क्वायर अच्छा माइनस इधर हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स थ्री प्लस आई थिंक ये ए हो जाएगा ठीक है थ्री प्लस ए इंटू डेल्टा स्क्वायर. देखो ये टर्म यूज हो गया हमारा माइनस थ्री डेल्टा स्क्वायर हो गया और माइनस ए डेल्टा स्क्वायर ये तीनों हो गए. अब डेल्टा के टर्म्स क्लब करते हैं. अब डेल्टा में क्या क्या आएगा देखो प्लस डेल्टा टाइम्स एक तो ये थ्री आया तो ये मेरा खत्म. इधर से ये वाला टू ए तो प्लस टू ए और इधर से प्लस बी तो ये हो जाएगा प्लस बी ठीक है तो ये भी खत्म. अब कांस्टेंट पार्ट तो माइनस वन माइनस ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो. अब देखो ये जो मैंने निकाली
अब मैं क्या करूं, डेल्टा के लिए एक्स रख देता हूं, तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स, ये तो ऐसे लिख लो इसको, एक्स बाद में लिख लो, ये हो गया थ्री प्लस टू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ऑफ वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब भूल गए, अब देखना, नीचे वाला सब रब कर देता हूं, अब मैं इस वाले इक्वेशन को एक मिनट के हटा दिया। अब देखना ध्यान से, ये जो क्यूबिक निकाली मैंने, इसके रूट्स क्या है बेसिकली, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन एंड गामा प्लस वन, और वो ये दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है तो कर देते। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से क्या है पी, इधर से क्या है माइनस थ्री माइनस ए पहली इक्वेशन, फिर इधर से एक्स का कोएफिशिएंट क्या है क्यू, इधर क्या है हमारा थ्री प्लस टू ए प्लस बी, फिर हमारा इधर कांस्टेंट पार्ट क्या है माइनस नाइनटीन, माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू, उधर कांस्टेंट पार्ट क्या होगा माइनस टाइम्स वन प्लस ए प्लस बी प्लस ए। हालांकि ऊपर वाली ये दोनों इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखो जरूरत ही नहीं, इसी से डायरेक्ट आ गया, क्योंकि जो हमें पूछा है ए प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नाइनटीन माइनस वन दैट इज एटीन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा अभी तक का, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किया अभी तक, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो तुम देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं इसको, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल, एक दे रखा है उसने, इलेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन एंड अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा एक कॉमन रूट है और किसका है वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और एक और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इन दोनों का एक रूट है कॉमन अल्फा, देन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ अल्फा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो तो मतलब क्या करें हम, अल्फा निकाल लेते कॉमन रूट, और कॉमन रूट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम सीआरसी कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम वो ऑल्टरनेट जो दूसरा मेथड बताया था मैंने वो लगाएंगे, तो उससे कॉमन रूट जल्दी आ जाता है। तो इधर क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो टू एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री एक्स फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन, सो दिस इज वॉट कॉमन रूट, ठीक है, थियरी में कवर किया था एक्सप्लेनेशन, उधर देखना अगर डाउट है तो, दिस इज अ कॉमन रूट, तो ये क्या है बेसिकली अल्फा, तुम्हारा अल्फा वन आ गया, अब वन इसमें रख दो क्योंकि मुझे एफ ऑफ अल्फा निकालना है, तो एक्स की जगह मैंने वन रखा, तो एफ ऑफ अल्फा कितना आ गया फोर इंटू वन स्क्वायर फोर प्लस थ्री सेवन माइनस सेवन दैट इज जीरो, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन आया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, हाँ तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो इसको मैंने बताया था, हमने इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन नहीं किया था बट इस कैटेगरी के किए थे। क्या करते हैं हम, एक साइड ले जाते हैं टर्म्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, सिंस एक्स इज रियल देयरफॉर उसका डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उससे वाई में इनइक्वालिटी मिलता है, वो वाई की वैल्यूज क्या होती है रेंज। तो क्या किया, वाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर एक साइड ले जाके क्वाड्रेटिक बनाया, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मानते हुए क्या किया, इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज वॉट क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो d कितना आएगा b square, मतलब 1 minus 4 into a into c, तो a तो क्या हो गया y और c कितना हो जाएगा 4y greater than equals to 0, तो इधर से मेरा आ गया, देखो एक काम करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 16 और इधर हो गया 16, तो y माइनस से मल्टीप्लाई किया y square minus 1 by 16 less than equals to 0, तो इधर से क्या आ गया मेरा y minus 1 by 4 into y प्लस वन बाय फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया मेरा माइनस वन बाय फोर, ये हो गया वन बाय फोर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन चाहिए तो मतलब ये वाला रीजन हो गया,
तो इसका रेंज हो गया हमारा माइनस वन बाय फोर क्लोज से वन बाय फोर क्लोज। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ ये देखो 13 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि रोकेशन ऑफ रूट्स तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, बहुत ही ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है लोकेशन ऑफ रूट्स पे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसने क्या लिखा है, सी इज ग्रेटर देन जीरो, और एक दे रखा है बी इज ग्रेटर देन सी, फिर बोला है ये जो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो विल हैव एक्जेक्टली वन रूट बिटवीन जीरो एंड वन, बोथ रूट्स बिटवीन जीरो एंड वन। तो जीरो और वन की बात चल रही है, जीरो और वन की बात चल रही है, तो हम पहले इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू देख लेते हैं। लेट्स सी दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक इज माय एफ ऑफ एक्स। तो मैंने कहा जीरो और वन की बात चल रही, तो पहले मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एक्स का जीरो रखूंगा माइनस सी। अच्छा अब सी सी पॉजिटिव है तो माइनस सी कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अब हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ वन, जीरो और वन ही मैं क्यों रख रहा हूं, बिकॉज ऑप्शन ऐसे भी है कि वन रूट लाइ बिटवीन जीरो वन बोथ रूट इस टाइप से, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर जीरो एंड वन, एफ जीरो एंड एफ वन। वन रखूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस बी माइनस सी। अब हम इसका साइन देखते हैं, अब देखो अब ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज होगा, देखो हर एक इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है, ऐसा नहीं कोई इन्फॉर्मेशन फालतू की दी है, ऐसा नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूज होगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव, और वन तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव। अब मैं क्या बोलूंगा, अब वाला थ्योरम यूज होगा हमारा, मतलब नोट मैंने लिखवाया था कि एफ के वन इंटू एफ के टू अगर नेगेटिव होता है तो हमारा क्या होता है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, याद है, जैसे मैंने बोला अगर ये मेरा के वन है और ये मेरा के टू है तो पैराबोला ऐसा होगा एग्जैक्टली वन रूट, क्योंकि एफ के वन पॉजिटिव है एफ के टू नेगेटिव है, या फिर ऐसा सिनेरियो होता है एफ के वन नेगेटिव एफ के टू पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, एफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन इज लेस देन जीरो, हेंस एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो छोटा सा एप्लीकेशन है उसका, जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस विल लाई बिटवीन माइनस टू एंड फोर। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया ये, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक दिया x स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो विल लाई बिटवीन माइनस टू एंड फोर। तो देखो ये माइनस टू है और ये फोर है, उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज एम फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस लाई बिटवीन, तो मतलब दोनों रूट इस इंटरवल में आना चाहिए, और दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मतलब पैराबोला तो अपवर्ड ही बनेगा। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो। तो ये हमारा केस कौन सा हो गया, केस आई थिंक केस फिफ्थ हो गया, ठीक है ना। इंटरवल माइनस टू कॉमा फोर कंटेन्स बोथ द रूट, तो इसमें तो चार कंडीशन होती है, सबसे बड़ा वाला केस है ये, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर ए इंटू एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ फोर ग्रेटर देन जीरो, और जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू है दैट शुड लाई बिटवीन फोर एंड माइनस टू। ये चारों कंडीशन होती है, इन चारों का इंटरसेक्शन इज व्हाट, माय आंसर, ठीक है ना। तो चलो पूरा सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं इसको रब कर रहा हूं डायग्राम को, अब देखना पहले डी ग्रेटर देन जीरो, तो फोर एम स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो वन इंटू एम स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इधर से फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एम से एम कैंसिल, तो इधर से मेरा क्या आया, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब एम कुछ भी रखू तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मेरा आंसर क्या आया, ऑल रियल नंबर। एम कुछ भी रखू डी तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डी निकाला तो फोर आ गया बेसिकली, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे बोल लो चाहे कि 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल m, हैज द आंसर फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी इज r। बट ये फाइनल आंसर नहीं बोलूंगा, बिकॉज़ अभी मुझे तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब सेकंड वाले पे आते हैं, a * f ऑफ -2, तो a तो मेरा दिख रहा है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, f ऑफ -2 क्या होगा, इसमें माइनस टू रखो तो 2 - 2 - 2 - 2 4, और माइनस टू इसमें रखूंगा तो प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो।
तो इधर से मेरा आया एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब इसके ऑब्जर्वेशन से रूट्स निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं, क्या क्या आएंगे, माइनस वन एंड माइनस थ्री। तो देखो माइनस वन एंड माइनस थ्री आएंगे, तो ये माइनस थ्री हुआ, ये माइनस वन हुआ, ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब आउटसाइड द रूट्स। तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करता हूं, मैं अब इससे इसका इधर निकाल रहा हूं ए एफ फोर, तो फोर रखूंगा तो क्या आएगा, सिक्सटीन माइनस फोर इधर रखा तो माइनस एट एम प्लस एम स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो इधर से मेरा आया एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस फिफ्टीन, आई थिंक या फिफ्टीन ग्रेटर देन जीरो। तो देखो अब मेरा किधर इधर ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है क्या, थ्री और फाइव दिख रहा है ना, सम ऑफ रूट इज एट प्रोडक्ट इज फिफ्टीन, तो थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव एट और थ्री, बात बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो इधर मैं मार्क कर रहा हूं थ्री और फाइव और ग्रेटर देन है, तो मतलब ये वाला रीजन हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, तुम लोग लिख लेना इसको, ये देखो ठीक है। अभी अभी एक और बाकी है ये वर्टेक्स वाला, तो माइनस बी बाय टू ए, तो माइनस ऑफ बी इज माइनस टू एम बाय टू ए, तो टू इंटू वन दिस शुड बी लेस देन फोर ग्रेटर देन माइनस टू, तो ये माइनस माइनस तो प्लस एम हो गया, ये टू से टू कैंसिल, तो बेसिकली इधर से डायरेक्ट आ गया एम इज लेस देन फोर ग्रेटर देन माइनस टू, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन, तो माइनस टू से फोर, तो मैं इसी के नीचे मार्क कर लेता हूं क्योंकि मुझे फाइनली इंटरसेक्शन लेना है। तो माइनस वन माइनस थ्री और माइनस वन के बीच में इधर माइनस टू आएगा, तो ये मेरा माइनस टू और ये मेरा फोर है, तो फोर इधर थ्री के बाद आएगा फोर। तो देखो इधर से मेरा ये आ गया, अब देख लो फाइनली इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है। तो देखो देखना मैं लिख रहा हूं इधर इंटरसेक्शन डायरेक्टली, देखो ये वाला रीजन माइनस वन से ये वाला रीजन, एक तो ये आ रहा है और ये थ्री तक वाला, ये वाला रीजन आ रहा है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज थ्री। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने इंटरवल नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा, इसमें एक और चीज बोली उसने, देखो हाँ उसने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम, तो इस अब मैंने बोला एम मेरा क्या आया, आंसर क्या आया, एम बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री, वो दोनों पे ओपन है, देखो ओपन लगाना, ओपन है तो ओपन ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने इंटीग्रल वैल्यू पूछी है। अब इंटीग्रल वैल्यू इस इंटरवल के अंदर कितनी आ रही है, माइनस वन से थ्री के बीच में, एक तो जीरो एक वन और एक टू, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई, तीन, हेंस द आंसर शुड बी सी, ठीक है। हालांकि दम नहीं है क्वेश्चन में क्योंकि हमने बहुत ज्यादा किए प्रैक्टिस, इसलिए इजी जाएगा, बट वैसे एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट बहुत हार्ड माना जाता है, ठीक है चलो, क्योंकि इसमें अब चार चार इनइक्वालिटी सॉल्व करना, एग्जाम में पेशेंस रखना, उतने गड़बड़ होने के बहुत चांसेस होते हैं ना, तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस आई थिंक पी स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, लेट मी जूम इट, या इट इज पी स्क्वायर, सच दैट यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट्स, यूनिटी लाइज बिटवीन द, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ए इंटू एफ वन इज नेगेटिव, वन लाइज बिटवीन द रूट मतलब ए इंटू एफ ऑफ वन इज नेगेटिव, दैट्स इट, इतना करना है बस। अब देखो ए क्या है मेरा, दिस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एफ ऑफ वन, तो वन इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन प्लस पी माइनस वन प्लस पी स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसको एक मिनट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, ये माइनस वन ये कैंसिल हो गया, तो इधर से आया टू पी स्क्वायर प्लस टू, तो टू बाहर ले लिया, तो दिस इज टू टाइम्स पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू हियर इट विल बी पी स्क्वायर प्लस पी लेस देन जीरो, देखो एक बार करेक्ट क्या क्या नहीं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर एंड पी प्लस पी टू पी, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से इस क्वाड्रेटिक पे जाओ, अब ये क्वाड्रेटिक जो लिखा है, वैसे ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वाड्रेटिक होगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं इमेजिनरी, बट लिख रहा है इसका डी इज नेगेटिव वन माइनस फोर विच इज माइनस थ्री, तो डी नेगेटिव है, तो और पी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल पी, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको जीरो के पास ले गए, तो मैं जीरो के पास ले गया मतलब इसको हटा दिया, ये टू तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर, इसको भी हटा दिया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद सच ए स्मॉल इनइक्वालिटी, तो ये क्या हो गया पी इंटू पी प्लस वन लेस देन जीरो, तो रूट्स क्या है माइनस वन एंड जीरो,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन बोला है इसलिए इसके बीच में आ गया। आई होप समझ में आया होगा। लेट मी क्लोज द डोर। ठीक है समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हो गया हमारा 15th। हाँ द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस हैज बोथ द रूट्स पॉजिटिव द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव हैज बोथ द रूट्स पॉजिटिव। तो दोनों रूट पॉजिटिव मतलब क्या हो गया जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स के इज लेस देन बोथ द रूट्स। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द हाँ ठीक है करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ये हो गया हमारा द लीस्ट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस हैज बोथ द रूट्स पॉजिटिव। हाँ ठीक है तो देखो तो फाइनली अगेन लोकेशन ऑफ रूट क्वेश्चन के इज लेस देन बोथ द रूट्स क्योंकि जीरो दोनों रूट्स पॉजिटिव मतलब जीरो दोनों रूट से छोटा है। तो अगेन कंडीशन क्या होती है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ए इनटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड वर्टेक्स दैट इज माइनस बी बाय टू ए दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन इज माय आंसर। तो पहले डी निकालते हैं तो फोर इंटू ए माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स 2a plus 1, this is greater than equals to 0, तो इधर से 4 तो हटा दिया, use नहीं उसका 4 का, cancel, बाहर common लेके 0 के पास दे दिया, इधर क्या आया, a square minus 2a plus 1, minus 2a minus 1, greater than equals to 0, correct है, हाँ ठीक है, अब 1 minus 1 cancel, तो a square minus 4a, greater than equals to 0, इधर से आया a into a minus 4, greater than equals to 0, ठीक है। तो मैं इधर इधर माफ कर देता हूं इसका इंटरवल को फाइनली इंटरसेक्शन लेने लेते वक्त यूज करेंगे दिस इज जीरो दिस इज फोर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला है तो ये वाला रीजन होगा इक्वल टू मतलब इक्वालिटी भी आएगा। ठीक है इक्वालिटी भी आएगा। ठीक है इसको रद्द कर रहा हूं डी हो गया हमारा। अब आते हैं ए एफ जीरो पे तो ए इज हियर इज वन एफ ऑफ जीरो कितना होगा इधर जीरो रखा तो टू ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो तो ए इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू तो माइनस वन बाय टू इसी के नीचे मार्क कर रहा हूं दिस इज ग्रेटर देन माइनस वन बाय टू। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं माइनस बी बाय टू ए तो माइनस ऑफ बी बी इज माइनस टू टाइम्स ए माइनस वन माइनस बी बाय टू ए टू इंटू एयर इज वन दिस इज ग्रेटर देन जीरो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए ये टू से टू कैंसिल तो इधर से आया ए इज ग्रेटर देन वन। देख लेते हैं एक बार ए इज ग्रेटर देन वन तो जीरो के इधर आएगा फोर के पहले आएगा तो वन ये हुआ और ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है ये हो गया। अब इंटरसेक्शन देखो तीनों का क्या क्या आ रहा है तो इधर तो ये है नहीं तो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट दिस इज फोर तो आंसर इज ए बिलोंग्स टू फोर क्लोज से इंफिनिटी। अब उसने इंटरवल नहीं पूछा है उसने क्या बोला लीस्ट वैल्यू तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है फोर हैज द आंसर इज फोर। क्लियर हुआ बच्चों समझ में आ रहा है ना तो आंसर शुड बी बी 16 का द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए विल बी 4 दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं हम इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो इसके रूट से अल्फा बीटा और उसने वो लिखा वन इज लेस देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा तो इसका मतलब क्या है देखो अगर ये मैंने ये बनाया अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा इज लेस देन वन तो वन इधर आएगा बीटा इज ग्रेटर देन वन तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो गया के इज लाइज बिटवीन द रूट्स मतलब वेयर के इज वन तो इसके लिए तो एक ही कंडीशन होती है ए इंटू एफ के नेगेटिव तो ए इंटू एफ ऑफ वन लेस देन जीरो ए क्या वन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा इधर वन रखो तो वन माइनस थ्री प्लस ए दिस शुड बी लेस देन जीरो तो इधर से हमारा ए कितना है ए इज लेस देन
वन माइनस थ्री माइनस टू, उधर जाके टू, तो ए इज लेस देन टू। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ए इज लेस देन टू मतलब माइनस इंफिनिटी से टू हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब आते हैं 18th क्वेश्चन। तो दिस इज फ्रॉम जेई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 18th है, ये पहले जेई में पूछ चुका है। स्क्रीनिंग मतलब जेई का ही होता है, मेन से ऊपर एग्जाम होता है। हमारा क्या दे रखा है, अब देखो इसमें हर एक इंफॉर्मेशन यूज होगी, अल्फा इज लेस देन बीटा, एक तो ये इंफॉर्मेशन है। मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहा हूं। अल्फा इज लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और उसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, फिर मुझे ऑप्शंस बताना है कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। तो देखो पहले इसको समझते हैं। तो अब देखो इसके रूट से अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट लिखा मैंने, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी। ठीक है, अच्छा और एक लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी। अच्छा अब सी क्या है, इसमें नेगेटिव है तो सी इज नेगेटिव। अच्छा बी ग्रेटर देन जीरो है, अब सुनना बी ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस बी क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम नेगेटिव है। देखो सम नेगेटिव किस किस केस में हो सकता है, मैंने बोला या तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये तीनों सिनेरियो में हो सकता है। बट मैंने अब सुनना, मैं इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूं कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये पक्की बात है। क्लियर है, मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और मुझे पता नेगेटिव तो छोटा होता है ना पॉजिटिव से, और उसने दे रखा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा इज लेस देन बीटा इसका मतलब क्या है, जो अल्फा है वो नेगेटिव होगा और जो बीटा है वो पॉजिटिव होगा, पहले इतना समझो, क्योंकि अल्फा लेस देन बीटा बोल रखा है उसने। तो अल्फा लेस देन बीटा मतलब हमने तब इस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट नेगेटिव से इतना कंफर्म बोल दिया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, कौन सा क्या होगा उसके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज की कि अल्फा छोटा है तो डेफिनेटली अल्फा नेगेटिव होगा। क्लियर है, अब दोबारा सम ऑफ रूट पे आते हैं। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वाला सिनेरियो हट गया हमारा। ठीक है, अब मैंने बोला कि सम नेगेटिव आ रहा है, सम नेगेटिव आ रहा है और मुझे पता है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव कब आ रहा होगा, जो नेगेटिव वाला रूट है ना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूट मैंने टू ले लिया और एक माइनस थ्री ले लिया, तो देखो सम कितना आ रहा है माइनस वन, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है सम भी नेगेटिव है। सम नेगेटिव कब आ सकता है, मैंने बोला अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ये कंफर्म हो गया और सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव वाला रूट है ना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो देख रहे हो माइनस थ्री का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया अल्फा और ये मेरा क्या हो गया बीटा। समझ में आया यहां तक, अब ऑप्शन पे आते हैं। तो देखो ऑप्शन जो है उसमें हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, तो देखो अल्फा लेस देन जीरो है तो अल्फा लेस देन जीरो है, हमने प्रूव कर लिया नेगेटिव है। फिर उसने देखा है कि बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो बीटा पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको कैसे रीड करूंगा इतने पार्ट को, बीटा इज पॉजिटिव बीटा ग्रेटर देन जीरो, जैसे अल्फा लेस देन जीरो अल्फा नेगेटिव है। अब उसने एक और दे रखा है कि बीटा इज लेस देन अल्फा का मैग्नीट्यूड। अब देखो इधर देखो, बीटा जो है दैट इज टू इज लेस देन अल्फा का मैग्नीट्यूड, अल्फा का मैग्नीट्यूड मतलब माइनस थ्री का मैग्नीट्यूड, तो टू इज लेस देन थ्री, करेक्ट है, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हाँ देखो अब एक ये देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट से अल्फा और बीटा, और एक और इक्वेशन दे रखा है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट दे रखे अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, फॉर सम कॉन्स्टेंट देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर, इसके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, अच्छा तो ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए हमारा, देखो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन पूछा है ना उसके आधार पर हमें दिखना चाहिए कि इधर डी टाइप की चीज दिख रही है और डी मेरा कहां आता है, एक डिफरेंस ऑफ रूट में आता है। तो अब ध्यान से देखो इसके इस केस में पहली क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा,
और इस केस में भी लकीली क्या आ रहा है, व्हेन यू विल सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, व्हाट यू विल गेट, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट बराबर है। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, हम पता है डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला रूट डी बाई ए होता है, तो इसके हिसाब से पहले क्वाड्रेटिक के हिसाब से रूट डी क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट डी बाई ए। मैंने बोला ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ रूट फॉर फर्स्ट इक्वेशन, नाउ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट फॉर सेकंड इक्वेशन, और अगेन नीचे वाले के लिए डिफरेंस ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी डिवाइड बाय कैपिटल ए। अब देखो ये पूछा है तो कैसे आएगा, ये स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय, देखो ये जो चीज पूछी वो इसके बराबर है, ठीक है। सो यू कैन सी द ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन 20th क्वेश्चन, तो 20th तो डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख देता हूं, तुम लोग क्या लिखा है ये, दिस इज, अब सोचो 20th क्वेश्चन भी आईआईटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आईआईटी में, हम अभी तो मैंने तुम लोगों का मेंस का पेपर लिया इसलिए थोड़ा मॉडरेट रखा है, बट जो पेपर तुम देखोगे ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, वो एक फोबिया, जैसे मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था, ठीक है, कि बस थोड़ा फोबिया रहता है बच्चों की, आईआईटी का एग्जाम है बहुत हार्ड होता है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशियंट। मैं बोल रहा हूं तुमसे केवल देखो तीन चीज याद रखो, क्लास नोट्स हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, प्लस आरडी शर्मा और प्लस मैं वो अरियन डीपीपी देता हूं, अरियन डीपीपी, दीज थ्री आर सफिशियंट टू गेट अ गुड रैंक इन जेई, ट्रस्ट मी, इतना करो जितना मैं बता रहा हूं बहुत है, और कुछ ज्यादा ही करना है इफ यू वॉन्ट सम एडवांस में भी बहुत अच्छा करना है तो मैं सीनेज रिकमेंड करूंगा, देन यू गो फॉर सीनेज, अदरवाइज दीज थ्री आर सफिशियंट, क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दैट यू विल सी, तुम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, देन यू विल सी की रियलाइज की हाँ नोट सफिशियंट है, नोट्स में तो हमने ज्यादा पढ़ा है, उल्टा बहुत ज्यादा पढ़ा है, स्पेशली लोकेशन ऑफ रूट्स पे बहुत फोकस किया है, ठीक है, मतलब जितना पढ़ाया है उसके बाहर लोकेशन ऑफ रूट आ ही नहीं सकता, गारंटेड है, ठीक है ना। चलो बहुत हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे हम 20th वाला, तो देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टेन माइनस थ्री ए ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल एक्स, तो सिंपल है ये, तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए सभी एक्स के लिए फॉर ऑल रियल एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है दैट शुड बी टोटली अबव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए शुड बी पॉजिटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव, ए तो पॉजिटिव है ही, वन दिया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पर डी नेगेटिव लगा तो चलो कर ही लेते हैं डी नेगेटिव, तो डी नेगेटिव हो गया बी स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू टेन माइनस थ्री है, दिस शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ तो हटा दिया यहां से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस टेन लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन से रूट देखते हैं, फाइव और टू, फाइव में भी माइनस फाइव कॉमा टू, सम ऑफ रूट इज माइनस थ्री, प्रोडक्ट इज माइनस टेन, तो क्या हो गया माइनस फाइव इंटू लेस देन जीरो, मतलब ये वाला इंटरवल, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम आते हैं इंटीजर टाइप पे, ठीक है ना, ये तो अगर हमारे सिंगल करेक्ट, नाउ वी विल स्टार्ट विद इंटीजर क्वेश्चन, तो करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस, तो देखो बहुत से बच्चों ने इसमें गलती किया होगा, हालांकि ये बहुत मतलब है, तो बहुत से बच्चे लोगों ने गलती इसलिए किया होगा क्योंकि ये शीट सही भी किया होगा ना, रीजन इज कि ये हमारा शीट का क्वेश्चन है, एक्चुअली शीट में इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। सर क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, क्या करते हैं इसको कैंसिल करते हैं, वो बोलते हैं x इज इक्वल टू टू, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बोला उसने, तो x इज इक्वल टू टू एक सोल्यूशन आया तो बोलते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन इज वन, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज वन, बट आंसर इज जीरो, नंबर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, द रीजन इज जो तुमने निकाला ना उसको तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना चाहिए एक बार, सो यू विल सी कि x इज इक्वल टू टू जब रखूंगा मैं तो दिस इज अनडिफाइंड ना, हेंस x इज इक्वल टू टू भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर शुड बी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो, कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। जिसने इस शीट में किया होगा तो उसको तो याद होगा ये, बाकी बहुत से बच्चों ने इसका आंसर वन लगाया होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन, दैट इज एक्चुअली करेक्ट, रॉन्ग सॉरी, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1 बाय 3 प्लस 2 की पावर 2 बाय 3, तो इसमें क्या करें, 2 को इधर लेके जाते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखो उसने क्या पूछा है, पहले वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी सॉल्यूशन है, देखो ऐसे तो तुम रख नहीं सकते एक्स ये, फिर क्यूब लो, ऑलरेडी ये पावर्स फ्रैक्शन में दे रखी, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ट्रिकी पार्ट देखना आप ध्यान से, क्या किया दोनों साइड क्यूब लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाय 3 प्लस 2 की पावर 2 बाय 3 इसका होल क्यूब। अब देखना इधर से आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, इसका क्यूब लूंगा तो 2 आएगा, इसका क्यूब लूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 विच इज 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 2 की पावर 1 बाय 3 इंटू 2 की पावर 2 बाय 3 इंटू ए प्लस बी, 2 की पावर 1 बाय 3 प्लस 2 की पावर 2 बाय 3, अब समझ में आया हूं अभी तक, इसको ओपन कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 थ्री द 12 प्लस 12x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस, अब देखो ये क्या लिखा है, 3 इंटू 2 की पावर 1 बाय 3 और 2 की पावर 2 बाय 3, तो पावर साइड हो जाएंगे तो 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इज 1, तो 2 की पावर 1 लिखा है वो बेसिकली, इन दोनों को मिला के 2 की पावर 1 है, तो 3 टू द 6। अब देखो अब एक और ट्रिकी पार्ट, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है यही लिखी है, तो ये मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2, तो ये आ गया एक्स माइनस 2, ये ट्रिकी पार्ट था। अब देखो तुम्हारा ये अपने आप ये जनरेट हो जाएगा था, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, इधर 12x इधर 6x दिया है, वो 6x में इधर लेके आया, तो 12 माइनस 6 विच इज 6x इज इक्वल टू, ये 8 उधर लेके गया, 8 प्लस ये 6 और 6 टू द 12 माइनस 12, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया माइनस 6 विच इज 2, 8 प्लस 6 14 माइनस 12 विच इज 2, तो अब यही तो लकीली हमें पूछा था, यही हमारा जनरेट हो गया, तो ये हमारा क्या आया, आंसर इज 2, ठीक है बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखना हाँ, सम ऑफ फ्रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, हाँ चलो देखो इधर मेरा है, वेट अ मिनट, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो अब इधर इसको कैसे किया, तो मैंने तुम्हें वैसे उधर भी लिखवाया था अपना बेसिक मैथ्स में भी, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, देखो एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू मॉड एक्स, ऑफकोर्स नॉट, बट स्क्वायर करने पे दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी क्या किया, इस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है, सो आई कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, समझ में आया क्या किया, मॉड एक्स प्लस 3 के स्क्वायर को लिख दिया मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला लेट मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू टी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सिंपल फाइन आया। अब इधर तो ऑब्जर्वेशन से रूट निकल रहा है 1 एंड 3, तो t एक तो आया, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3, अब ऐसा मत बोल देना सम ऑफ रूट इज 4, सम ऑफ रूट मतलब क्या, x की वैल्यूज ना, हमें अभी तो t निकला है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है, जितनी भी x की वैल्यूज आए उन सबका एडिशन, इसका आंसर ऐसे मत लिख देना 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, गलत हो जाएगा, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। अब मैं t मैंने माना क्या था, वो इक्वेट किया, तो इधर t क्या है, x प्लस 3 का मॉड दिस इज इक्वल टू 1, तो इधर से मेरा क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड हटाते हैं तो उधर प्लस माइनस 1 आता है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 1, तो अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 1 विच इज माइनस 2, और अगर नेगेटिव लिया तो क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये तो दो रूट्स आए मेरे, ये तो मैंने t इज इक्वल टू 1 रखा, अब t इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3, एक मिनट
ठीक है, तो इधर से क्या आया x प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, मॉड हटाया तो मेरा क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री, तो अगर पॉजिटिव लूंगा तो क्या आएगा माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, और अगर नेगेटिव लिया तो क्या आएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो ये दोनों मेरे सॉल्यूशन हो गए और ये दोनों, अब चारों को ऐड कर लो तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स ट्वेल्व, तो आंसर इज माइनस ट्वेल्व। ठीक है चलो, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, नोट करके लिख लेना अगर तुम्हें याद नहीं हो तो, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करोगे चलो वो तरीका और डिस्कस कर लेते हैं, मेथड टू। ठीक है ना, बहुत से बच्चों ने शायद ऐसे भी किया होगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूं। देखो इसको एक और तरीका है करने का, x प्लस केसेस बना के, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड है तो मतलब ऐसे तो मॉड हटेगा नहीं, तो केसेस बना लेते हैं। मैंने बोला मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो अपना साइन कहां चेंज करेगी, माइनस थ्री पे जीरो है, माइनस थ्री के राइट में पॉजिटिव होगा, माइनस थ्री के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, तो वही केसेस बना लिया। केस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, और केस टू एक्स इज लेस देन माइनस थ्री। ठीक है, अब अगर x माइनस थ्री से मैंने मान लिया कि x माइनस थ्री से बड़ा है तो क्या होगा, ये मॉड के अंदर जो लिखा है दैट विल बी पॉजिटिव, हेंस मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो इधर मेरा क्या आएगा x स्क्वायर, पहले इसको ओपन किया, चलो पहले एक बार क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं दोबारा, x प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स x प्लस थ्री, मॉड हट गया प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। केस टू में क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा बिकॉज x माइनस थ्री से भी छोटा है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा x प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स x प्लस थ्री, माइनस साइन बाहर लगा दिया इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करो तुम, इन दो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, बट अगेन वो डायरेक्टली आंसर नहीं बोलेंगे, जैसे इसको सॉल्व करने पे कुछ आंसर आया वो इस इंटरवल में आना चाहिए क्योंकि हमें इसके इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है ना। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं, मैंने बोला इसको पूरा किया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन ठीक है माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इधर से आया एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स और नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो इधर से एक्स की वैल्यू कितनी आई जीरो कॉमन माइनस टू। इसका हमेशा क्या करते हैं केस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो ये बोल रहा है दो वैल्यू, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री के राइट में, और ये बोल रहा है केवल दो वैल्यू जीरो और माइनस टू, तो इंटरसेक्शन क्या होगा केवल यही दो वैल्यू, तो दोनों करेक्ट है हमारी, दोनों इस इंटरवल में आ रही है, तो केस वन का आंसर हो गया जीरो एंड माइनस टू। सिमिलरली यू सॉल्व फॉर केस टू, ठीक है ना, वो दोनों वैल्यू भी इसी के अंदर इसी इंटरवल में आएंगे, तो वो दोनों भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली क्योंकि हमने पहले दूसरे मेथड से निकाल लिया ना, चार वैल्यूज आ रही थी, दो इधर से आ गई दो इससे आएंगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, तो इसको तुम कर लेना क्वाड्रेटिक को सॉल्व, तो तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी वही वाली। ठीक है चलो, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मेथड बहुत से बच्चों ने शायद में माइट भी किया हो मेथड टू, मुझे बताना चलो व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था वो किसने किसने मेथड टू से किया था। ठीक है, तो देखते हैं किस किस का रिप्लाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो चलो देखो, तो देखो 2 अल्फा माइनस 35 देख के इधर क्लिक करना चाहिए, ये भी उसी टाइप की चीज लिखी है 235 टाइप, तो क्या किया अल्फा इसका रूट है, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर से मेरा आया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इक्वल टू माइनस 2, फिर अल्फा कॉमन लिया तो 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 2, तो देखो आ गया 2 अल्फा माइनस 35 की चीज, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय अल्फा, तो इधर क्या लिखे माइनस 2 बाय अल्फा का होल क्यूब। सिमिलरली हियर ऑल्सो सेम लाइन सेम कैटेगरी सेम फॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाय बीटा का होल क्यूब, तो ये क्या लिखा है माइनस टू का क्यूब माइनस टू का क्यूब, तो माइनस टू की पावर सिक्स अपॉन अल्फा बीटा का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, और अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट टू बाय टू विच इज वन, तो ये तो वन हो गया, तो माइनस टू की पावर सिक्स मतलब 64। ठीक है ना, तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे।
So last question is, find the value of a for which sum of squares of this roots of this equation is least. तो पहले तो quadratic ले लिया, 2x square minus 2 times a minus 2 into x minus a minus 1 equals to 0. तो let's say इसके roots है alpha और beta. तो value of a for which sum of square of roots, तो alpha square plus beta square minimum. The value of a for which sum of square of root is least. हाँ, तो अब देखो उसमें मतलब एक ही किस वैल्यू के लिए है? मिनिमम होगा क्वेश्चन ओवरऑल ये है, ठीक है. तो निकालते हैं इसको. तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा इधर से लिख सकता हूं मैं. चलो पहले अलग से लिख लिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस टू ऑन टू ए माइनस टू होल डिवाइड बाय टू. ये टू से टू कैंसिल, ए माइनस टू आया, तो दिस इज ए माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स. और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस वन बाय टू, देखो सी बाय कॉन्स्टेंट अपॉन टू. तो ये हो गया माइनस ए माइनस वन बाय टू. तो ये टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर. और इधर से हो गया माइनस माइनस प्लस ए और माइनस माइनस प्लस वन. तो फाइनली आर गेटिंग ए स्क्वायर माइनस 5a, सॉरी माइनस 3a प्लस 5. तो दिस इज व्हाट माय बेसिकली, ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a. क्या लिखा है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो लिखा हमने ऊपर, उसी से स्टार्ट किया है. दिस इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a. तो मैंने बोला ये लकीली क्या आ गया, हमारा पैराबोला आ गया, ये लकीली हमारा पैराबोला आ गया. और हमें पता है पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कहां आती है, वर्टेक्स पे. और वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, माइनस बी बाय टू ए. तो माइनस ऑफ माइनस थ्री डिवाइड बाय टू इंटू वन, तो दिस इज नथिंग बट 1.5. तो ए की वैल्यू 1.5 आई, ठीक है ना. उसने ए की वैल्यू पूछा, उसने ये नहीं बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसने बोला ए की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा. तो ये निकालना सफिशियंट है. अगर ये बोलता ना वो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम 1.5 इसमें रखते. आई होप समझ में आया होगा. So that's it. This will end up your discussion. अगर कोई भी doubt तुम्हें किसी question में आता है, अगर तुम्हें during अभी video lecture देखते हो समझ में नहीं आया किसी में, अगर कोई भी doubt है किसी प्रकार का, feel free to ask. ठीक है ना. So that's it. और मुझे score जरूर WhatsApp करना तुम, ठीक है ना. सभी लोग just WhatsApp me your score. ठीक है. So that's it. Thank you so much for watching.